खाना और इसे खाकर थूकने पर अपराध बनाया गया। ऐसे में ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने का दावा हैरान करने वाला है। एबीपी न्यूज के इस दावे की पड़ताल देखिए। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती एक तस्वीर। तस्वीर के दो हिस्से हैं, दोनों ही तरफ एक एक ड्रोन दिख रहा है। ड्रोन से कुछ चीजें लटकी हुई भी दिख रही हैं। ड्रोन के लटके सामान को एक शख्स गौर से देख रहा है, मानो वो ड्रोन से आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वायरल तस्वीर में दो बातों का दावा है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में लिखा है, गुजरात के दो लोगों को ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। निचले हिस्से में लिखा है, जब बात जुगाड़ की आती है तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। वायरल तस्वीर में किए गए दावों की सच्चाई जानने के लिए हमें सोशल मीडिया टिकटॉक में दो वीडियो मिले। ये दोनों वीडियो वायरल तस्वीर में दिखाए गए वीडियो से मेल खा रहे थे। पहली वीडियो में छत के ऊपर ड्रोन है, ड्रोन से लटकी कोई चीज है, नीचे एक शख्स है, इस ड्रोन का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में ड्रोन एक शख्स के छत के ऊपर आ जाता है, ड्रोन से लटके हुए दो पैकेट दिख रहे हैं। इस वीडियो में वायरल तस्वीर में दिखने वाला शख्स भी दिख रहा है। अब बात तस्वीरों के में किए गए दावे की, क्या ड्रोन से गुजरात में पान की सप्लाई हुई? सप्लाई हुई तो गुजरात के किस हिस्से में हुई? अगर तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा सच्चा है तो क्या सच में पुलिस ने ड्रोन से पान मसाले की सप्लाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया? हमारी पड़ताल में पता चला कि जिन तस्वीरों को वायरल किया गया वो गुजरात के मोरबी की। गुजरात के मोरबी में ही ड्रोन के जरिए पान मसाले की सप्लाई हुई। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद एक्शन भी लिया। पुलिस ने ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने वाले को हिरासत में लिया, साथ ही ड्रोन भी जब्त कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल तस्वीरों के साथ किया गया दावा सच्चा साबित हुआ है।